हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फूड डिपार्टमेंट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पर अप्लाई करना भी आज से स्टार्ट हो चुका है। मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ जॉब की बात करें तो आपकी ये प्योरली परमानेंट जॉब रहने वाली है, जहाँ पे बेस्ट सैलरी आपको इसमें पे की जा रही है। हर कोई इसमें आप में से अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट। अगर हम यहाँ पे बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। प्रॉपर स्क्रीन पर चलकर आपको बताऊँगी कैसे आपको इन वैकेंसीज में अप्लाई कर लेना है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सैलरी भी इसमें आपको बहुत बढ़िया पे की जा रही है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलेक्शन आपकी कैसे इसमें होने वाली है। एनी फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाली है। हर चीज़ को ब्रीफ में डिटेल में कवर करने वाले हैं, मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आप हर एक चीज़ को डिटेल में समझ पाओ। जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट इसमें रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन आपके इसमें कैसे होने वाली है, हर चीज़ को डिटेल में कवर करने वाले हैं। बाकी आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर टॉप में ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपको हर एक नोटिफिकेशन जब भी मैं आपके लिए कोई अपडेट लेकर आऊँगी, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा और आप टाइम पर अप्लाई भी कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करना, बिकॉज वो भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे फूड डिपार्टमेंट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। और आप किस लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप कर देना, ताकि हर एक वैकेंसीज को हम टाइम पर आपके लिए लेकर आ पाएँ, तो ज़रूर से मैंशन करना। बात करें हम यहाँ फूड डिपार्टमेंट की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पर ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। काफ़ी टाइम के बाद फूड डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो भी ऑनलाइन आपका रहने वाला है, जो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कैसे आपको इन अपडेट के लिए अप्लाई कर लेना है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल पाए अप्लाई भी कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सैलरी की बात करें, 42,300 से 1,15,270 आपकी इन हैंड सैलरी इसमें रहने वाली है। तो ये प्लस पॉइंट है, सैलरी भी बेस्ट आपको दी जा रही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एनी फ्रेशर्स अप्लाई इसमें कर सकती हैं, कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाली है। तो फूड डिपार्टमेंट में मोस्टली वैकेंसीज आती हैं, इंटरव्यू भी आपकी होती है, तो यहाँ नहीं होने वाली है। तो अप्लाई इसके लिए आपको ज़रूर से करना है। नेक्स्ट अगर हम इन वैकेंसीज में बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी प्लस एग्जामिनेशन फ़ी आपकी जो है वो 280 रहने वाली है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी 200 है, एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 80 रुपीज़ है, जो कि 280 आपको इसमें पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18 आपकी एज है, आप अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम आपके 44 तक एज है, तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते। इसके अलावा इन वैकेंसीज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 49 तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी के साथ एक्स सर्विस मैन की अगर बात करें, वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 47 तक अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट की बात करें, मिनिमम 18 मैक्सिमम 54
2024 तक अप्लाई वो कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी पोस्ट के लिए ये अपडेट आया है, तो ये अपडेट आया है FSO मीन्स फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जहाँ पे परमानेंट जॉब रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसी के बेसिस पे आपकी इन वैकेंसीज में सिलेक्शन होने वाली है। रिटर्न एग्ज़ाम में भी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, लोकल से रिलेटेड हो सकता है आपका, इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड अदर्स न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। आप नोटिफिकेशन भी एक बार चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। नेक्स्ट अगर हम इन वैकेंसीज में बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो इन वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने रेलिवेंट डिसिप्लिन में की हुई है। क्लियरली इन्होंने नोटिफिकेशन में हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, किस किस फील्ड में रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें आप यहाँ से रीड करके इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आपको जरूर से कर लेना है। किसी तरह का भी कोई डाउट हुआ वो आप जरूर बताना। अब अप्लाई कैसे करना है वो आप ध्यान से समझ लो पहले, क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक इसी रिक्रूटमेंट का दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लास्ट में आपको जाना है स्क्रोल डाउन करके, तो जैसे ही आप लास्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाते हैं नोटिफिकेशन PDF का, पहला लिंक आपको मिल जाएगा। सेकंड आपको मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे आप पहली ऑप्शन पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ FSO, यहाँ पर आपको क्या करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्लिक करेंगे ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मेंशन करके अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। जैसे अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन होकर अप्लाई करना है। अपना नेम मेंशन करना है, कंप्लीट नेम, फुल लीगल नेम, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट किया है, परमानेंट एड्रेस क्या है, जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है एज इट इज़ आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का, फ़ी पे करेंगे, उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है जो जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। जैसे ही सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा। ओवर दी ईमेल और आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर इसमें आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका सक्सेसफुली इसमें अप्लाई हो चुका है। अब जैसे आपका सक्सेसफुली इसके लिए अप्लाई हो गया, अब इनके ऑफिशियल साइट पर ये अपडेट करेंगे, रिटर्न एग्जाम की डेट्स जब भी होंगी वो आपको इसमें बताया ही जाएगा, इनके ऑफिशियल साइट पर ये अपडेट ये करेंगे। तो अभी तो अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो गया, अप्लाई आपको जरूर करना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।